रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। वाराणसी तो कुछ नहीं, यह है भारत के पांच बड़े ब्रिज हादसे। वाराणसी में फ्लाईओवर गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। अगर आपको लगता है कि यह फ्लाईओवर गिरने की एकलौती घटना है तो आप गलत हो। भारत में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रही है। आज हम जानते हैं भारत की पांच बड़े ब्रिज अकस्मातों के बारे में। कोटा चंबल ब्रिज अकस्मात 24 दिसंबर 2009 को सुबह 5 बजे के बाद राजस्थान के कोटा में वाराणसी की तरह ही चंबल नदी पे बन रहा ब्रिज गिरा था। इस हादसे में कुछ इंजीनियर सहित 48 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। कोलकाता विवेकानंद फ्लाईओवर हादसा 31 मार्च 2016 को कोलकाता में स्थित 2.2 किलोमीटर लंबे विवेकानंद फ्लाईओवर की इस्पात की पट्टी गिर जाने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल हुए। 90 से ज्यादा लोगों को ब्रिज के नीचे से सलामत निकला गया था। सावित्री रिवर ब्रिज हादसा मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित महाड में सावित्री नदी पर भरी बारिश के चलते एक पुराना ब्रिज ढह गया। इस हादसे में कई वाहन पूरे उफान पर बह रही सावित्री नदी में समा गए। इस हादसे में 28 से ज्यादा लोग की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। वलीगोंडा रेल आपदा 29 अक्टूबर 2005 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के पास वलीगोंडा शहर के पास यह हादसा हुआ। भारी बारिश के चलते एक छोटा सा रेल लाइन पर बना पुल पानी के साथ बह गया, जिसकी वजह से पुल पर से गुजर रही डेल्टा फास्ट पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में 114 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हो गए। कडलोंडी ट्रेन दुर्घटना। कडलोंडी ट्रेन दुर्घटना भारत की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। 22 जून 2001 में मैंगलोर चेन्नई मेल यात्री ट्रेन ब्रिज 924 पर से गुजर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। 140 साल पुराना ब्रिज टूटने से ट्रेन नदी में गिरी। इस हादसे में 8 महिला और 2 बच्चों सहित 57 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके अलावा कई लोग लापता हो गए। तो ये थे भारत के बड़े ब्रिज अकस्मात। अगर आप और ऐसी ही रोचक बातें जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फॉलो के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए।